हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज फिर से आ गई हूँ मैं अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ, वो है अनबॉक्सिंग ऑफ एसेंशियल प्रोडक्ट्स। गाइस, मैंने आपको बताया था इसकी मैं अलग से वीडियो दूंगी, मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स बाय किए हैं फॉरेस्ट एसेंशियल से गाइस। तो गाइस, हाँ हम मान सकते हैं कि ये ब्रांड थोड़ी कॉस्टली है, बट गाइस कॉस्टली है बट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे है। अगर प्रोडक्ट अच्छे है तो कॉस्टली इतना मैटर नहीं करता, कॉस्ट इतना मैटर नहीं करता, बट कॉस्टली है और कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रही है, सब बकवास है, तो फिर मतलब भी बनता है कि कॉस्ट को देखें या, बट हम कॉस्ट को इसलिए नहीं देखते इस ब्रांड में क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे है गाइस। एंड लिप बाम वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस। एंड इन्होंने अब मेकअप भी स्टार्ट कर दिया है, मेकअप भी इन्होंने लॉन्च किया है, बट अभी मैंने मेकअप नहीं लिया क्योंकि मैं मेकअप यूज़ नहीं करती, तो मैंने सारे फेस प्रोडक्ट लिए हैं गाइस। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ गाइस, सबसे पहले इससे स्मॉल से, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है फॉरेस्ट्रा से। एंड गाइस देखो, पैकेजिंग भी इतनी अच्छी कर रखी है, ये इनका पॉली बैग है ब्रांड का लोगो के साथ। एंड इसमें देखो गाइस कितनी अच्छी पैकेजिंग के साथ इन्होंने हमें दिया है। चलो अब बात खोलते हैं। तो गाइस ये है मेरी इलादी डे क्रीम गाइस, सच में ये डे क्रीम इतनी अच्छी है गाइस, मेरा पर्सनली मैंने यूज़ की है। अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं आपको फेक रिव्यू नहीं देती, क्योंकि अगर मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसी का रिव्यू देती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उसका रिव्यू नहीं देती। क्योंकि मेरे पास एक पेड प्रमोशन आई थी मॉम्स को के नाम से, जो मुझे सीरियसली बहुत ही बकवास लगी, बकवास भद्दा थी गाइस, इसलिए मैंने उसका प्रमोशन भी नहीं दिया था गाइस। आप देख लेना चाहे मेरे ब्लॉग्स में, बट ये इसमें तो गाइस पेड प्रमोशन कुछ नहीं, इसमें मेरे पैसे लगे हैं वो भी बहुत ज़्यादा गाइस। जो इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करता होगा ना, उसको पता होगा कि कितने पैसे लगते हैं इस ब्रांड में। तो फर्स्ट है मेरा इलादी डे क्रीम, जो बहुत अच्छी है गाइस। मैं प्राइस नहीं बताने वाली, जिसको सर्च करना है गूगल सर्च करके देख लेना, बट मैं प्राइस नहीं बताने वाली। तो गाइस ये है मेरी डे क्रीम, एंड ये है मेरा फेशियल क्लींजिंग क्रीम, जो गाइज मैं इसको डेली यूज़ कर सकती हूँ। अगर गाइज मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ तो गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है फेस पर, तो इसके लिए क्लीन करने के लिए ये फेशियल क्लींजिंग इन्होंने मुझे क्रीम दी है, जो हम यूज़ कर सकते हैं डेली, नहीं तो वीक में 2-3 बार्स हम यूज़ कर सकते हैं गाइज। इन लोगों ने हमें टेस्टर्स दिए हैं, जो इन टेस्टर्स भी हैं हम लोगों के लिए, वो है कंडीशनर शैम्पू वगैरह के टेस्टर है। अगर आपको अच्छे लगे तो आप बाय कर सकते हो, बट मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे क्रिस्टल्स का शैम्पू कंडीशनर वगैरह वही अच्छा लगता है एंड वही मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली। मैं आपको बोलूँ वो भी आप यूज़ करके देखना। अगर इस ब्रांड के कोई लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड अपना रिव्यू देना आपको कैसा लगता है। तो गाइस ये हो गई मेरी डे क्रीम और क्लींजिंग क्रीम। अब हम चलते हैं बड़े वाले बैग पर। तो गाइस ये है मेरा बड़ा बैग, अब मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ गाइस, आपने पैकेजिंग देख तो ली है। तो अब चलते हैं हम सबसे पहले। तो गाइस ये है शॉवर वॉश गाइस। हमें, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस ब्रांड का हमें कैसे पता चला था गाइस। हम ना ताज होटल गए थे बॉम्बे, वहाँ पर इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे एंड हमने जब पर्सनली यूज़ किया ना गाइस, मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद आए, तो फिर हम इस ब्रांड के बारे में जाना और इस ब्रांड के पास गए। हम इस ब्रांड का शोरूम एमियंस मॉल में और वर्ल्ड मार्क में, तो हम उस ब्रांड पे गए और उन्होंने हमें थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई, जब हमने समझी और फिर हमने बाय की और हमें बहुत अच्छी लगी। तो ये हमारा शावर जेल, जो सीरियसली बहुत अच्छा है एंड मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि एंड गाइस इसमें ना बहुत फ्लेवर्स भी आते हैं। मेरा फ्लेवर है वो इंडियन रोज़ है, मुझे रोज़ की खुशबू बहुत पसंद है इसलिए मैंने इंडियन रोज़ लिया है। अंदर से ही ऐसा है, आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, अगर आपको लेना हो तो आप लीजिए। तो गाइस ये मेरा शावर जेल। And
एंड ये गाइस फेशियल क्लींजर है, ये मतलब फेस वॉश है। इसका फेस वॉश भी बहुत अच्छा है और इसका फ्लेवर मैंने लिया है रोज वाटर वाला और हनी और लेमन वाला। एंड गाइस ये है बैलेंसिंग वाटर तेजल का, जो बहुत अच्छा है गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं फेक रिव्यू नहीं कर रही गाइस, मुझे पसंद है तो पसंद है। एंड गाइस मुझे सबसे अच्छी जो सनस्क्रीन लगी गाइस, ये है फोरेस्ट्रा की सनस्क्रीन, जो टर्मरिक बेसिल लीफ की है और SPF 50 है इसमें गाइस। एंड गाइस मैंने डर्मा एक्यूलेजी बहुत ब्रांड की यूज की है सनस्क्रीन, बट मुझे इस ब्रांड की सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी है। तो गाइस ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने फोरेस्ट्रा से बाय किए थे एंड पर्सनली ये सब मैंने यूज़ किए हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। बट हाँ, मुझे आपको दिखानी थी कि मैंने फोरेस्ट्रा से क्या क्या बाय किया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड अगर आपको यूज़ करने तो करो, क्योंकि बट ना मैं आपको बोल नहीं सकती कि आप ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि गाइस ये कॉस्टली है थोड़ा, तो इसलिए मैं बोल नहीं सकती कुछ भी। हाँ बट आप जो अफोर्ड कर सकता है बट वो जरूर ट्राई कीजिएगा एंड पर्सनली। एंड गाइज इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने लॉन्च किया है, बट अभी मैंने ये सब लिया है। अगर मैं आगे वाले टाइम पे और कुछ लेती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उसके भी रिव्यू दूंगी। बट आज की बस अभी के लिए मैंने ये वाले प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं और यही यूज़ करने हैं मुझे, और किसी ब्रांड पर नहीं जाना है गाइज मुझे। और तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।